आयुर्वेदा का एक ऐसा जड़ी बूटी जिससे आप अपने निजी पार्ट को लंबा कर सकते हैं और मोटा कर सकते हैं, और इसका फल आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में मिल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर विश्वास हो जाएगा, वो भी बस आपको दो चीजें चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे भारतीय आयुर्वेदा में हर तरह की बीमारी के ये घरेलू नुस्खे दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों, जब बात हो अपने निजी औजार को बड़ा करने का या फिर बात हो अपने निजी औजार को ताकतवर बनाने का, तो ऐसे में भारतीय आयुर्वेदा में जो नुस्खे हैं वो सारे प्रोडक्ट से सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते और प्राचीन काल से ही, यानी कि यूं कहे तो ऋषि मुनियों के जमाने से ही ये सभी चीजें इस्तेमाल में आती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम बताते हैं कि इन सबके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो सामान लिया है। ये जो पहला है ये है ऑलिव ऑयल। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं कि ऑलिव ऑयल के कितने सारे फायदे हैं। जी हाँ, ये जो ऑलिव ऑयल है ये मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अधिक अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लें। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा चीज जो मैंने लिया है वो है सुहागा। दोस्तों, सुहागा जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अगर बात करें पुरुषों के निजी आकार को बड़ा करने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इससे ज्यादा फायदेमंद शायद ही कोई आपको मिल जाए। दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट आपको घर में मिल सकते हैं, और अगर घर पे ना मिले तो अगल बगल के किराने दुकान में आपको मिल जाएंगे। चलिए बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सुहागा का पाउडर कर लिया है। तो दोस्तों, इस सुहागे के पाउडर को बनाने के बाद आपको इसे गैस में थोड़ी देर के लिए पकाना होगा ताकि अच्छे से भून जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे भून कर रखा है, आप देख सकते हैं इसे। जैसे भी कॉन्डम दोस्तों, अगर आपके लिंग की लंबाई मोटाई कम है, पतला है, छोटा है, और आप अपने फीमेल पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, जैसे भी कॉन्डम दोस्तों, ये रीयूजेबल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्ट्रेचेबल है, और इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर ये टेस्टिस कवर भी दिए गए हैं, जिससे कि आप दोस्तों आपके टेस्टिस फिट हो जाते हैं और ये फिक्स हो जाता है, और लंबे टाइम आप सेक्स का आनंद ले सकते हैं। शीघ्र पतन की प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप ये हमसे खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे इसको खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब आप भून लेंगे इसे तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। दोस्तों, ये हो गया आपके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो आपके निजी पार्ट को बड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है। जी हाँ, आप कोई भी अपने निजी पार्ट की समस्या हो तो आप सुहागा का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने एक खाली बॉल लिया है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक चम्मच। यहाँ पर मैं दो चम्मच ऑलिव ऑयल लूंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दो चम्मच ही ऑलिव ऑयल लिया मैंने। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सुहागा बहुत ही गर्म होता है, नॉर्मली ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इसलिए हमें इसे बहुत कम लेना है। यहाँ पर जब मैंने दो चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मात्रा ही सुहागा कर ली। देखिए दोस्तों, ये एकदम छोटी सी चम्मच है, और इस छोटी सी चम्मच में मैंने एकदम आधी चम्मच इसे लिया है। दोस्तों, आप भी इसे अच्छे से पहले भून लें, उसके बाद ही इसका उपयोग करें। अब इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसे मिक्स करने में हमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, ये अच्छे से मिक्स होने में थोड़ी सी देर लगती है। दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये मैंने एक ही बार, ज्यादा से ज्यादा दो बार के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखना, तो आप एक साथ ज्यादा मात्रा में इसका यूज करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, आपको ये झमेला करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। और दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइए, ये आपके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। दोस्तों, घर में पाई जाने वाली कोई भी चीज हमारे बॉडी में हानिकारक नहीं होती, और आयुर्वेदिक की चीज जिसमें कोई साइड इफेक्ट हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और आयुर्वेद जितना अच्छा रिजल्ट देता है उतना किसी में नहीं देता। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे मिलाने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है थोड़ा सा मात्रा में आपको इसे लेना है अपने निजी पार्ट पर। दोस्तों, एकदम थोड़ा, आप ध्यान रखिए इसे ज्यादा मत ले, और सुहागा तो ज्यादा बिल्कुल मिक्स ना करें। और फिर आप इसे अच्छा से मिक्स कर लीजिए, अपने निजी पार्ट पर लगाइए, और इसका मसाज करना है। ऐसे ही नहीं लगा देना है दोस्तों, लगा के छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको इसका मसाज कम से कम 10 मिनटों तक करना है। जी हाँ, और दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसे
ऊपर डायरेक्शन में ही करना है लेकिन अंदर के पार्ट्स में नहीं करना है। ऐसे आपको मसाज करना है, ज्यादा से ज्यादा देर तक मसाज करते रहिए, लगभग 10 मिनट तक। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखिए इस टाइम पे और अच्छा से मसाज कीजिए लगभग 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट बाद चाहे तो आप इसे धो सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह मैंने दो सामान बस ऑलिव ऑयल और सुहागा को पाउडर बना के चूर्ण बनाने के बाद इन्हें भूज कर और ऑलिव ऑयल से मैंने जो बनाया है ये तेल, ये कितना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों इस तेल को लगाइए और अपना फीडबैक हमें जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पर, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कितनी पसंद आ रही है। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में। बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।